मैं दावे के साथ कह सकता हूं कोई भी गांव राजस्थान में ऐसा नहीं होगा कि इस 90,000 में मेरा उस गांव के 2, 4, 5, 10 युवा नहीं आएंगे, ये भी मैं आपको कह सकता हूं। 60,000 वो मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, ये 60,000 वैकेंसी क्या 1 साल या 2 साल में इतनी रिक्त हुई क्या? मैं कहना चाहता हूं उन्होंने क्यों नहीं निकाला? क्या गरीब का व्यक्ति अगर कहीं किसी रोजगार में आ जाए, उसको रोजगार मिल जाए, सरकारी नौकरी में आ जाए, तो क्या दिक्कत होने वाली थी उनको? क्यों नहीं सोचा? ऐसा तो हो नहीं सकता है कि 60,000 वैकेंसी 1 साल 2 साल नहीं, इतनी वैकेंसी हो गई। मैं कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, जिस उद्देश्य को लेकर के आपके बीच में हम गए थे और जिस संकल्प को लेकर के हम आपके बीच में गए थे, मैं बार बार याद भी दिलाता हूं जिन संकल्पों के साथ हम राजस्थान की जनता के बीच, राजस्थान के उस युवा के बीच, राजस्थान की हमारी बहनों के बीच में और राजस्थान के किसान के बीच में गए हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं हम एक एक संकल्प को पूरा करेंगे, एक एक संकल्प को पूरा करेंगे। 60,000 हमने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की जगह निकाली है और उसमें हमने कहा है कि हमारा भाई 10वीं पास होगा, पेपर देगा और पेपर देने के बाद निष्पक्ष रूप से उसका परिणाम निकलेगा और निष्पक्ष रूप से भर्ती होगी, किसी तरह का कोई इंटरव्यू या वो नहीं होगा जिससे किसी भी तरह से किसी को दिक्कत हो। इसी तरह से 23,000 हमारे सफाई कर्मी, उनकी जगह निकालने का काम किया है। वो हमारे सफाई कर्मी हर नगर पालिका में जो जिनकी आवश्यकता है, 23,000 जगह हम उनकी भी निकाल रहे हैं। और हमारे कुछ ऐसे भाई भी हैं जो वाहन चालक हैं, ड्राइवर हैं, उनकी भी जगह हम निकाल रहे हैं। और हमने जो कहा है कि इस साल में हम 1,00,000 रोजगार देने का काम करेंगे और हम 5 साल में 4,00,000 सरकारी नौकरी देने का काम करेंगे, मैं आपसे आज भी कह रहा हूं कि ज्यादा भली हो जाएंगी लेकिन कम एक भी नहीं होगी, ये भी साबित होगा।